हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहु। कैसे हैं कलीम चाचा जी? अल्लाह करम भाई, कैसा लगा? क्या चाचा, आपके एक के बाद वीडियो आते जा रहे हैं मेरे ताल्लुक से। हाँ, कौन आप सा वीडियो देखा? डेली डेली एक एक वीडियो निकाल रहे हो आप। मैं निकालता हूँ, हाँ, मतलब 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो। हाँ, दो तीन दिन दिन में एक वीडियो आ रहे हैं जी। तो आज आज चाचा तारीख है ना हाईकोर्ट में? नहीं पता नहीं, मैं करीम भाई मैंने तय कर लिया है अच्छा, कि मैं अब हीरा गोल्ड के ताल्लुक से कोई हाँ वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई हाँ कमेंट नहीं करूंगा हाँ और किसी से कोई बहस या मुबाहसा में नहीं पढ़ूंगा मैं। और एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि मैं क्विट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या तो लेकिन चाचा मतलब मैं, ये मतलब आप कोशिश कर रहे थे, अचानक से आपने ये मतलब फैसला क्यों ले लिया? नहीं, ये फैसला इसलिए लिया कि भाई अब ये शरीफों का काम नहीं रहा, अच्छा, इसमें गुंडे बदमाश और हर किस्म का आदमी शामिल हो गया है और जबानें भी वैसी होती जा रही है। और फिर मुझे महसूस हो रहा है कि भाई अगर ये पैसा मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। अगर ये पैसा अल्लाह चाहते तो 1 साल से लाखों मुसलमान रो रहे हैं, ये पैसा मिल जाता। इस पैसे को मैंने अब ये समझ लिया कि ये नामुमकिन हो गया है और नामुमकिन चीज के पीछे जितना भागो वो उतनी दूर भागती है। लेकिन चाचा हर जगह पे आप जाते थे तो आपका खुद का जेब का पैसा लगता था, तो मतलब ये सब इतनी कोशिश करने के बाद में अचानक से आप रुक गए, वो नहीं समझ में आया, मतलब रुकने की खास वजह क्या है? नहीं, अचानक रुक जाने की वजह भी मैं बता देता हूँ सर आपको कि मैंने जितना भी काम किया, हाँ मैंने यूनुस से बात की। हाँ, मैं सबसे शुरू करता हूँ, मैंने 12 कंप्लेंट कैंसिल किए, 12। हाँ 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 पुलिस कंप्लेंट्स मैंने अशिमिरा चौकी पे खड़े रह के कैंसिल करवाए। कंप्लेंट होने के बाद में कैंसिल कराया या फिर कंप्लेंट करने से पहले कैंसिल? कंप्लेंट होने के बाद में भाई, वो पेपर्स मैंने दिए हैं। अच्छा, अमीन सोलकर साहब को। अच्छा 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 फिर उसके बाद इनका FIR कैंसिल करवाया शमीम साहब का। कई FIR को मैंने होने से रुकवाया। ठीक है, फिर उसके बाद पूना में कोर्ट में आपा के साथ मैं मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हो गया, आपा की हिमायत में। हाँ बराबर है, जहाँ मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि बाहर चले जाओ। हाँ बराबर है, बराबर है। ठीक है, औरंगाबाद में कमिश्नर ऑफिस में EOW के सामने मैं खड़ा हो गया कि भाई ये औरत मसीहा है, बराबर है, इसके ऊपर कोई केस मत करो, इसके ऊपर कोई जुर्मायत मत करो, इसको छोड़ दो, ये हजारों घरों के चूल्हे जलाती है। फिर जहाँ जाए नवेरा शेख गई है, मैं इसके पीछे पीछे जाता रहा। लोगों ने बता, इनके वकील ने बताया कि जब तक FIR होता रहेगा तब तक रुकेगा नहीं कार्रवाई। हाँ, ये कलीम उल हक और उनकी बहन सना, हाँ, दोनों ने मिलकर 1.5 घंटा मुझे चंचलगुड़ा जेल में बात समझाई। ये जब तक FIR होते रहेंगे नवेरा शेख नहीं छुटेंगे। तो फिर मैंने FIR होने के जरिए को रोकने के लिए शाहबाज से बात करना की, बराबर है। और फिर मैं उनके पास गया, उनसे गुजारिशें की। हाँ, उससे पहले तो देखिए मैं इसके पास भी गया था, क्या नाम है, यूनुस सैयद के पास। अच्छा, तब भी लोगों ने गालियां दी, ये बिक गए। जब मैं अवेशी के पास गया तब भी लोगों ने कहा, वो औरतें जिनका खुद के कैरेक्टर का पता नहीं भाई, वो मुझसे कह रही है कि भाई ये पैर पड़ने गया है, तलवे चाटने गया है। ठीक है भाई, चलो वो भी मैंने बर्दाश्त किया। उन्होंने मुझसे बात नहीं की, जैसा भी मेरे साथ सलूक किया, मैंने किसी से नहीं कहा उसके बारे में। फिर तो उसके बाद शाहबाज से मुलाकात हुई। शाहबाज ने तो मेरे साथी पे तकरीबन हाथ उठा दिया था, यूनुस सॉरी परवेज सैयद पे। अच्छा, ये उनके दरबार की बात है। अच्छा, अवेशी साहब की। अच्छा अच्छा, इतनी बदतमीजी की थी उन्होंने कि तकरीबन, अगर उस वक्त मैं, ये आप किसकी बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब की? नहीं नहीं, ओवैसी साहब ने तो जो किया वो किया। हाँ, शाहबाज ने। अच्छा अच्छा, शाहबाज ने परवेज सैयद पर, अच्छा 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 अच्छा, तकरीबन वो हाथ उठाने ही वाले थे। अच्छा 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 अच्छा, तो वहाँ पे भी जैसे तैसे हमने उस बात को खत्म किया। दुनिया भर की कड़वी कसीली सुन की भाई, अपना माल खर्च करके मेहनत करते हैं, बराबर आपको खबरें ला कर देते हैं जगह पे, बराबर जगह पे आपको खबरें देते हैं। हम लोग जर्नलिस्ट नहीं है भाई, बराबर है, रिपोर्टर है हम लोग, बराबर है। आप तो रिपोर्टर नहीं, आप तो इन्वेस्टर है। हमारा पैसा
हम चाहें तो हमारे पैसे की बात करके आ जाए, सबके लिए बात कर रहे हैं। फिर तो उसके बाद जो भी हुआ तो बोले भाई ये शाबाश के पास बिक गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। अब जो भी हुआ भाई सब कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया, और मुआवजा भी गया, सब खत्म हो गया। मगर चाचा कैसा है, क्रिटिसाइजम तो एक हिस्सा है, अभी वो जर्नलिज्म का हिस्सा है, अभी हम लोग को तो दलाल बोलते ही है। दूसरे बात सुनिए, मैं दीनदार आदमी हूँ, मुझे मालूम है मुखालफत तो मेरे नबी की भी हुई। बराबर है, मुखालफत तो मेरे नबी की भी हुई, लेकिन वो अल्लाह के दीन की इशात कर रहे थे, अल्लाह के दीन को फैला रहे थे। यहाँ जो लोग हैं इनकी जो मेंटेलिटी है वो किस तरह की है मालूम नहीं भाई। ये जो पैसा है आपका, आपने मेहनत से कमाया है कि आप भी चोरी करके लाए? बराबर है, लेकिन चाचा ये कैसा है, मैं खास करके हीरा गोल्ड को फोकस करके बोलूंगा, हीरा गोल्ड के जो मेंबर है ना, इनको सच सुनना पसंद नहीं, ना सच सुनना पसंद है, ना सच इनको हजम होता है। हाँ, इनको मतलब जैसा मतलब दूसरे चैनल वाले करते हैं तो ऐसा मतलब इनको खाली मतलब दिलासा देते रहो, ये दिलासे पे ही जीने की कोशिश करते हैं, मतलब सच सुनने को रेडी हैं। एक साल हो गया, इसी महीने से पैसा बंद हुआ था। बराबर, आज एक साल हो गया। कई लोगों के फोन आते हैं करीम भाई, ये देखिए सबसे पहला इंटरव्यू आप ही ने मेरे लिए। बराबर, इसीलिए मैं आज आप ही के साथ मिलकर काम को खत्म कर। बराबर बराबर, तो दिन में 100-125 लोग फोन करते हैं, उसमें 10-12 लोग तो इस कदर रोते हैं, हजारों कतार रोते हैं, अपनी मजबूरियां बताते हैं, परेशानियां बताते हैं, बीमारियां बताते हैं, अपना घर बेच दिया वो बताते हैं, अब बच्चों की शादी रुक गई ये बताते हैं। ये बातें जाके आप किसको बताएंगे? बराबर है, इस कंपनी से कौन है सुनने वाला? बराबर है, तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली जैसा हम लोग कर रहे हैं, अभी लिमरा टाइम्स को दुनिया भर के कॉल आते हैं, हम लोग सवेरे से शाम तक ये जवाब देते रहते हैं कि आपका अपडेट क्या है। वीडियो देखने के बाद में भी कुछ पब्लिक है जिनको समझ में नहीं आता, वो वापिस से कॉल करते हैं, वापिस से हम लोग फोन उठाते हैं, फोन उठा के जवाब देते हैं। यही शायद गली न्यूज के साथ में भी होता होगा। हाँ बिल्कुल होता है, वो भी जवाब, सलीम भाई भी जवाब देते रहेंगे। तो ये मतलब हम लोग तो समझा रहे हैं, मतलब जो अपडेट है वो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग पे तोहमत लगाया जाता है, और ये कैसा है, जर्नलिज्म का एक हिस्सा है। हम लोग तो ये समझते हैं जर्नलिज्म का एक हिस्सा है क्रिटिसाइज करना, मतलब हम लोग को दलाल बोलना जी। तो लेकिन ये आपको अभी अचानक से क्या हो गया जो आप अभी अचानक से इतना बड़ा फैसला उठा लिए? नहीं बेटा, हुआ कुछ भी नहीं मुझे, लेकिन क्या है ये हर काम का एक तरीका होता है। बराबर है, बराबर है, इस काम में ये तरीका है कि इनके रिश्तेदार अगर सामने आए या हम सब एक होके पुलिस पे दबाव डालें कि भाई इनके रिश्तेदारों को सामने बुलाओ, वो अगर जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आज नवेरा एक फेस है। बराबर है, कल मुतीउर्रहमान ने एक वीडियो डाला कि वो उसको पागलखाने में एडमिट कर दिया, उसको शॉक दे रहे हैं। अच्छा, 3 घंटे के बाद वीडियो निकल लिया। अच्छा, वीडियो निकल गया क्या चैनल से? हाँ निकल। अच्छा, लिया, और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट डाला जो जेल वालों ने डाल दिया था। ये क्या तमाशा है भाई? अच्छा, आप किसको कितना बेवकूफ बनाओगे पब्लिक को? अच्छा 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 अच्छा, आप ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि जेल में नवेरा शेख पे बहुत जुल्म हो रहा है, जबकि वो एक लग्जरियस लाइफ जी रही है जेल में। अच्छा, वो जेल नहीं उसका ऑफिस है। जितनी चाहे वो मुलाकातें कर सकती है, जितना चाहे वो, क्या बताओ यार आपको। हाँ वो तो है, वो तो है। लेकिन आपको जब मिलने का मौका मिलता था चाचा, तभी आपसे मतलब ज्यादा बात होती थी क्या? मतलब क्या बात होती थी आपसे? कभी नहीं बेटा, मेरी बातें जो भी हुई है उसको मैंने पूरी अमानतदारी से लोगों तक पहुंचाया हर बात को। अच्छा, ऐसे की बात तो वो कभी भी मेरी पर्सनल बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, जब अच्छा। भी बात हुई तो उनकी 3 लाइन है, बार बार कहता हूँ कि मैं सबका पैसा दे दूंगी, मुझे छूटने दो, मेरे अकाउंट फ्रीज होने दो, मैं सबका पैसा दूंगी, मैं नफा भी दूंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आप 1000 किलोमीटर का सफर करके गए और आए। बराबर है, अब वो खबर को ला के आप लोगों में फैला रहे हैं भाई, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, नवेरा शेख ने बोल दिया कि पैसा देगी। कब देगी? अल्लाह जाने। कैसे देगी किसी को नहीं मालूम। तो ये मसला कब तक चलेगा भाई? वही हो रहा है, वही हो रहा है, सारे गुंडे इनके गैंग में, सारे गुंडे। अच्छा, ये जो वहां बैठा हुआ है मदरसा चला रहा है, क्या नाम है उसका, तिरुपति। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी गुंडा। अच्छा क्या,
आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, आपसे वो लोग बात ऐसे करते हैं जैसे आप पे एहसान कर रहे हैं। हमारी भाग दौड़ और हमारी जो कुछ भी मतलब हमने कोशिशें की उसको वो लोग एक मिनट में बर्खास्त कर देते हैं। बराबर है। आप दिन में कितने कॉल उठाते हैं, कितने घंटे आप बात करते हैं रोजाना पब्लिक से, पैसा इन्होंने लिया भाई, पैसा मुझे मिला गया, पैसा इन्होंने लिया, प्रॉपर्टी इनकी बनी, 300-350 प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई, इनके रिश्तेदार ऐश कर रहे हैं, वो सामने नहीं आएंगे, नवेरा शेख एक कॉल अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन इसकी वजह क्या है चाचा, मेरे को एक चीज नहीं समझा, आपने बहुत बार अपील कर दिया, मैंने भी देखा, तो मतलब ये फैमिली वाले सामने नहीं आ रहे, उसकी वजह क्या है? अरे भाई नहीं आ रहे तो अब सीधी सी बात है भाई, अब मैं ये बात भी बोल देता हूँ कि वेल प्लान है ना, हर चीज प्लान की गई है। एमईडीए से सामने नहीं आने का, कोई किसी को जॉब नहीं देने का, कॉल सेंटर बंद, ऑफिस बंद, रिश्तेदार सब खामोश और फरार। 32 एफआईआर हुई है भाई। हम कोई जंगल में रहते हैं कि पुलिस एक को भी अरेस्ट नहीं कर रही? बराबर है, बताओ ना मेरे को। बराबर है, पूछो हैदराबाद पुलिस से, तेलंगाना पुलिस से, क्या वो अंधी हुई है? लेकिन ये किसी गरीब आदमी को पकड़ना हो तो 32 एफआईआर में इसमें सभी के नाम है क्या? ये लोग तो वही बताते हैं ना, ये पूरी फैमिली के नाम है। दो लोगों को छोड़ दिया है, शाकिरा को और इनकी माँ को, इसलिए कि भाई नवेरा की हिफाजत करते रहो। अच्छा, बाकी जितने जवाब देने वाले हाँ भाई सबके ऊपर एफआईआर है। लेकिन एक चीज तो ये लॉजिक है, अगर वो मतलब आउट कंट्री हो, आउट स्टेशन हो, कहीं भी हो, तो वो मतलब एक वीडियो या फिर ऑडियो तो निकाल ही सकते हैं। मतलब वो मैं क्या मांग रहा हूँ बताइए, एक ऑडियो तो मांग रहा था। हाँ बराबर यार, एक ऑडियो डाल दो अल्लाह के वली, आपकी बहन है नवेरा के बेटों से मैंने कहा कि भाई तुम्हारी माँ है, तुम कैसे सो जाते हो रात को यार? बराबर, तुम्हारी माँ 6 महीने से जेल में है, तुमको नींद कैसे आ जाती है? या इन्वेस्टर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनके घर बेचारों के चले गए, इनकी जिंदगियां हराम हो गई, जहन्नम हो गई, और तुम्हारे पास बोल बच्चन के अलावा कोई ढलोगी नहीं कि मैं छूटूंगी और दे दूंगी। हाँ, और इनके जो दलाल है, बड़े बड़े दलाल, इन्होंने एक माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है। सबसे पहले ये दलाल बड़े बड़े, और फिर उनके बाद इनके छोटे दलाल, ये सब मिलके ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं करीम भाई कि आम इन्वेस्टर की समझ में ये बात ही नहीं आती कि यार हो क्या रहा है। हाँ एक्चुअली वही हो रहा है, वही हो रहा है ये मैच खेल को रहा है भाई। क्योंकि चाचा मुझे एक चीज ये नहीं समझा कि मतलब इन लोग को इन्फॉर्मेशन कैसा मिलता है कि 10 तारीख को छुट जाएगी, 5 तारीख को छुट जाएगी, कोई बोलता 20 तारीख को छुट जाएगी, कोई बोलता 30 तारीख को छुट जाएगी। मतलब हम लोग जर्नलिस्ट जो हम लोग सामने होते हैं, वकील से मुलाकात करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हम लोग को इसका कुछ आता पता नहीं होता है। मतलब इन लोग के पास जानकारी कैसे आ जाती है? अब मेरी एक बात सुन लीजिए, आप आई विटनेस हैं। जी जी, छत्तीसगढ़ जेल में आप मेरे साथ थे वाले दिन। बराबर बराबर, हम लोग जेल के बाहर बैठे हैं। हाँ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग जेल के अंदर बैठे थे, हमने 1.5 घंटा नवेरा शेख के साथ गुजारा। हमने अच्छा, उन लोग वो लोग अच्छा 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 वो लोग कह रहे हैं, उनके वीडियो से ऑडियोज है, उनके फोन कॉल के मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा, क्या वो ऑडियोज भी मैं थी उसको वायरल कर दूंगा। आज मैंने रिटायरमेंट ले लिया इस काम से, मैं अलग हो रहा हूँ। अच्छा, अब मैं मेरे पास जो कुछ एविडेंस है मैं उसको सबको मंजर आम पे लाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, ये मुतीउर रहमान कहता है कि मैं मार्च महीने में 4 बार इस्माइल शेख से मिला। अच्छा, तुम 4 बार मिलते हो इस्माइल शेख से और पुलिस इस्माइल शेख को पकड़ नहीं पाती, ठीक है? इस्माइल शेख तुमसे मिलता है, तुमसे बात करता है और 4 लाइन अपनी बहन के लिए नहीं बोल सकता। अच्छा, समझ वाली बात? समझ गया समझ गया समझ गया। लेकिन चाचा मैं जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने ये सुना है कि इस्माइल शेख आउट ऑफ कंट्री है भाई। मुझे भी अफ्रीका से एक कॉल आती है व्हाट्सएप पे, वो आदमी बाकायदा कहता है कि साउथ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका में बैठा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, इनकी माँ 18 तारीख को जब मेरे साथ 3 साथी भी थे, उसमें कासिम खान भी थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अपने भाई से मिलने गया और उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस आ गया और वो वहीं अटक गया, वापस नहीं आ सका। ठीक है, मुतीउर रहमान फोन पे बोलता है कि मैं 4 बार मार्च में मिला उससे। अच्छा, ठीक है भाई, मैं 4 बार मार्च में उससे मिला। कल वो बोलता है कि वो मेंटल हो गई,
अरे भाई लाखों करोड़ों रुपया लगाया हुआ है लोगों का, बराबर। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता ये सुनते ही वो मर जाता, औरतें अपने आप को आग लगा लेती, ये भैया भर के देता। मेरे चाचा ऐसे ऐसे कॉल आते हैं इन्वेस्टरों के, जो कॉलेज का बच्चा है वो 1,00,000 रुपए डाल के रोता, मतलब डेली फोन करता है मुझे। एक बच्ची है हैदराबाद से, वो डेली इतनी परेशान होती है, मेरे को उसको जवाब देने को डर लगता है, क्या जवाब दूं इसको, अगर इसको कुछ बोलेंगे तो ये शायद बुरा नहीं मान जाए। ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं जो रोते हैं लोग फोन पे, बहुत है सर। और देखिए मैं एक बात और बताता हूँ आपको, मैं आज सारी बातें बोल दूंगा क्योंकि मुझे अब इस मुझे घिन हो गई इस कीड़ा गोल से। क्या इन्होंने सडनली अभी एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस हो रहा है, कौन आया है? यास्मीन अरोड़ा मुंशी। हाँ हाँ, यास्मीन अरोड़ा मुंशी। इनको असल में खड़े होना है इलेक्शन में। अच्छा। ये पब्लिक को सीढ़ी बना रही है। इनको मुतीउर रहमान ने बताया, ये इनके कमरे में गया था हैदराबाद में। हाँ, हाँ, वो तो फोटो भी देखा मैंने, फोटो वायरल हुआ। मुतीउर रहमान के फोटो भी है इसके साथ। ठीक है। अब इसने उसको आश्वासन दे दिया कि तुम उमरा से खड़े हो जाए, 25,000 इन्वेस्टर है। ठीक है, तो उसने वो बात पकड़ ली कि भाई उमरा से मैं खड़ी हो जाती हूँ, 25,000 लोगों की मैं हिमायत करूंगी और उसके बदले मेरे को वोट मिलेंगे, इंडिपेंडेंटली मैं यहाँ से चुन के आ जाऊंगी और मैं नेता बन जाऊंगी। अब वो उसी पे मेहनत कर रही है सबसे पहले, तो हमसे भी हुई थी, हमसे भी कहा गया कि हमको प्रमोट करो, मैंने सलाम किया कि नहीं भाई इस उम्र में मर जाएंगे ये काम नहीं करेंगे। तो भाई अगर वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है तो हो ना मेरी बच्ची, तू मेरी औलाद की तरह है, अल्लाह तुझे कामयाब करे, रात और दिन में तेरे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे कामयाब करे, बहुत कामयाब करे। बराबर, थाने जिले की नहीं तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नेता बन जाए, लेकिन इन्वेस्टर के दिलों से मत खेलो, इनके दिलों से बहुत लोग खेल चुके हैं, इनकी जबान से अगर बदुआ निकल गई तो दिल से खेलने वाली पूरी जिंदगी से अल्लाह खेलेगा। इन्वेस्टर को और मत तंग करो। बराबर बराबर, इन्वेस्टर बहुत परेशान है। सबको रमजान का आज था, रमजान का आज भी खत्म हो गया जी सबको, ये भाई, भाई लॉयर कहता है लॉयर। ये भाई इनको क्या कोई कान में बोल के गया कि 20 तारीख को छूट रही है? वही समझ में नहीं आता, सब लोग डेट बता देते हैं, हम लोग को डेट नहीं मालूम रहता। मैं और सलीम भाई तो यहाँ वहाँ परेशान ही रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से कुछ मिल जाए, हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं और इन लोग को तारीख मिल जाती है कि 20 तारीख को छुट्टी। हर आदमी क्रिएटर हो गया है, जिसको जो चाहता है न्यूज मेकर बन जाता है, न्यूज खुद बनाता है। वही हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। आप सच लाने, आप सच सामने लाने के लिए आपने देखा मेरा हाल क्या होता है भाई, मुझे रास्ता ठीक से नहीं दिखता। बराबर, कितने घंटे में भूखा था आपके साथ? बराबर, 22 घंटे हम भूखा रह के काम करते हैं भाई, और हमको ऐसे ही उठा के फेंक दिया जाता है जैसे हम कोई कचरा है। ना वहाँ जाओ तो उनके रिश्तेदार हमको पूछते, ना हमारे इन्वेस्टर हमको पूछते। अच्छा, जो लोग हमारे फैन है ना भाई, जो लोग हमको बोलते हम आपके साथ है, हम आपके साथ, बराबर है, जब ये हराम उद्दहर लोग, बदतमीज लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये जो हमको चाहने वाले इनको क्रिटिसाइज नहीं करते। अच्छा अच्छा, ये उनको नहीं बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनको नहीं बोलते कि ये आदमी हम सबके लिए लड़ रहा है भाई। बराबर है, ये अपनी बात क्यों नहीं हो रहा है, मतलब जो आपके सपोर्ट में है वो भी क्यों नहीं बात कर रहा है? अरे ना सपोर्टर, ना रिश्तेदार, आज तक नवीरा ने कभी मेरे बारे में बोला? इतनी बातें करती है, इतने बोल बचन करती है, कभी एक बार बोला उसने कि भाई ये बुड्ढा जो आता है क्या ये सच बात करता है? कभी मेरे से कुछ मांगा नहीं इसने, अपनी बात कभी करता नहीं। बराबर है, बोला उसने, साले सबके सब मेरे को वापर रहे हैं और जब जिसका काम निकल जाता है मेरे को लात मार देता है, फुटबॉल बना दिए मेरे को। अच्छा, तो लेकिन अभी अभी मतलब ये एक दो दिन में क्या हो गया चाचा जो आपने ये फैसला कर दिया, मतलब इसकी खास वजह बताइए ना मुझे। खास वजह तो देखो भाई ये है कि कल मेरी सलमान से बात हुई। अच्छा, सलमान से? हाँ हाँ, सलमान को मैंने जब ये सब बातें बताई कि देखो यार अभी शाम को एक वीडियो आया था ऐसा वैसा ये हो, तो उसने भी बहुत क्रिटिसाइज किया। बोला कि मैं अभी इनकी बहनों को फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ये सब अगर चलेगा तो हम दोबारा मतलब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन्वेस्टर के दिल से छिलने नहीं देंगे किसी को। बराबर है क्या, और हम दोनों के बीच में ये बात हुई। बराबर है,
लेकिन फिर मैंने सुबह होते होते सोचा कि भाई ये लड़ाई तो कभी खत्म होने वाली नहीं, चलता रहेगा। आपा के बोलने के बाद भी कौन डर के चुप बैठता है? आपा ने भी लास्ट टाइम आपके सामने कोर्ट में खड़े रहकर बोली कि मैं सबसे बड़ी एसोसिएशन हूँ। बराबर है, हाँ बराबर है, ये बात तो हुई थी। पूरा एसोसिएशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो चुप हो गया लौंडा, वो लौंडा चुप हो गया क्या उसके बाद? अच्छा अच्छा, उसने काम बंद कर दिया, वो जोगेश्वरी में मीटिंग रख रहा है। किसके लिए रख रहा है मीटिंग जब आपा ने उसको नकार दी कि एसोसिएशन ही नहीं है ये? जब मालिक कह रहा है कि मैं नहीं मानती इसको। बराबर है, और ये शायद सलमान ने भी अंधेरी की मीटिंग में सलमान मिर्जा ने भी ये बोला था कि मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है ऐसा कुछ। हाँ भाई, तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? पब्लिक को कितना बेवकूफ बनाएंगे? उसको असल मुद्दे से आपने हटा दिया, उसके पैसे से उसको आपने लाखों मील दूर कर दिया। बराबर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि धोखा कौन दे रहा है, नवेरा दे रही है कि ये सारे इन्वेस्टर दे रहे हैं ये जो बीच में दलाल बन के व्हाट्सएप खेलते हैं। लेकिन मैं मेहनत करता हूँ। बराबर है, अगर तुमको नजर नहीं आ रहा है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत देखो मेरा वीडियो। बराबर है, मुझे ब्लॉक कर दो। जैसे मैंने सारे ग्रुप्स को ब्लॉक करके रखा है, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ भाई। अच्छा अच्छा, कोई ग्रुप में नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मुझे ग्रुप में ऐड भी करता है तो मैं फौरन अपने आप को निकाल लेता हूँ। ये नहीं भाई मैं नहीं। अच्छा, तो आप मुझे भाई ब्लॉक कर दो ना। आप क्रिटिसाइज करते हो और वो भी ऐसे अल्फाज बोलते हो। हाँ, ये क्या नाम है, ये फेकू आपा जो चलाता है, ये शैतान, ये मेरे वीडियो डाल रहा था, तो इसकी कंप्लेंट किया मैंने अभी लास्ट टाइम में, शायद एक महीना हुआ। तो उस टाइम इसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उसके फोन एक बार उसको मना करके कि देख भाई चैनल बंद होगा तो दूसरा चैनल बना ले, लेकिन तूने जो किया वो गलत है। गलत है, ठीक है। तो उसके बाद उसने कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया मेरे को। कल्लू कल्लू बोल रहा है। अच्छा अच्छा, बताओ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई क्या उसका पैसा ही उनके मेरा नाम रख दिया उसने। बराबर है, हाँ बराबर है, उसकी बहन से निकाह किया मैंने। चाचा, अभी ये समझ में आ गया है कि आप क्विट हो चुके हैं, अभी आपका फ्यूचर में कोई वीडियो नहीं आएगा। भाई मैं फ्यूचर में कोई वीडियो नहीं, कोई बयान नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरे पास जो सबूत है वो सबको मैं वायरल कर दूंगा एक बार। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं भाई, आज के बाद मैं किसी को कोई राय देने का हक नहीं रखता, जिसको जो करना है वो करे भाई। क्या तुम्हारा पैसा है, तुमने बहुत सबर किया, तुम इस दौर के वली हो गए, तुम इस दौर के वली हो गए। मुझे ये पैसा कहीं भी नजर नहीं आता कि तुमको मिलने वाला है या मुझे मिलने वाला है। जो तुम्हारी समझ में आता है तुम करो भाई। मैं खुदा की कसम खाता हूँ, अपनी औलादों की कसम खाता हूँ कि मैंने भरसक कोशिश की है, मुझे कहीं भी नजर नहीं आया कि पैसे की वापसी है। अच्छा, आप लोगों को जो करना है वो कीजिए। मैं आपसे नहीं कह रहा कि अब मेरी सुनो, ना मैं आपके आपको रोकता हूँ और ना आपको मशवरा देता हूँ, क्यों करना है करो भाई। तो चाचा, अभी जो आपको कॉल आ रहे हैं वो कॉल को क्या जवाब दे रहे हैं आप? अरे ये तो भाई अभी डिसीजन लिया, एक ही कॉल अभी आया है। अच्छा। ये यूसुफ साहब है, 35 लाख इन्होंने डाला हुआ है, हैदराबाद में रहते हैं। इन्होंने कहा कि इनकी माँ का पता दो, मैं अपने बीवी बच्चों को लेके जाके इनकी माँ के घर पे बैठ जाता हूँ कि सारा पैसा तेरी बेटी ने ले ली, अब मैं जाऊंगा किधर, मैं तेरे घर में रहूंगा। मैं बोला भाई मैंने क्विट कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने क्विट कर लिया। अरे कितने लोगों को इन्वेस्ट करने का करीम भाई? बराबर है बराबर है बराबर है, दिन भर हम काम करे गिरा गोल्ड का और भड़काव लोग पगार खा रहे, और भड़काव लोग के बंगले बन रहे। वैसे इसमें कुछ लोग पेड़ भी है क्या आपके नजर से? मैक्सिमम लोग पेड़ है सर। अच्छा, मैक्सिमम लोग पेड़ है, कोई गाड़ी मांग रहा है। अच्छा अच्छा, किसी को बाकायदगी से पैसा मिल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये सब नहीं करेंगे वो तो ये सिलसिला चलेगा कैसा, मैनेज कौन करेगा? अच्छा 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 अच्छा, मोती रहमान से कोई बात होती है तो बोलता है कि अच्छा मैं एक घंटे बाद जवाब दूंगा, भाई से बात करिए। कौन भाई? तो बोले इस्माइल से।
अरे भाई एक घंटे में तू इस्माइल शेख से बात करके जवाब दे सकता है, तो इस्माइल शेख को ये नहीं बोल सकते कि इस्माइल तुम यार दो बात करो, ये बुड्ढा इतने दिन से बोल रहा है, अपनी लिए तो नहीं बोल रहे ना। बराबर है, आवाम को मैसेज जाना चाहिए, आवाम को दिलासा होना चाहिए कि भाई एश्योरिटी मिलना चाहिए। बराबर है, ये तो मतलब कसम कुर्सी का महीना है, एक दूसरे पर रहम करने का महीना है, लोगों के काम आने का महीना है भाई, गुनाहों से तौबा का महीना है। इस महीने में भी यार तुम अपने गुनाहों से बाज नहीं आते, रोजा रख के हराम के पैसे से यार तुम स्टेरी करोगे। बराबर है, और जब तक तुम लोगों का पैसा नहीं दोगे तुम्हारी जनाजे की नमाज होगी? हाँ बताओ, दुनिया का कौन सा जनाजा है वो जो कर्ज अदा किए बगैर जिसके जनाजे की नमाज हो जाती है? और कौन तुम्हारे कर्ज की जिम्मेदारी लेगा जो अरबों खरबों रुपए में? तुमने कोई छोटी टोपी पहनाई है लोगों को? ये टोटल चाचा आपके हिसाब से, अभी हम लोग ने जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से तो 20-25 हजार करोड़ का है, आपके हिसाब से कितने करोड़ का है? टोटल फिगर तो कहीं भी नहीं निकला। एक एक जो फोन आते हैं, कोई कुवैत से, कोई बहरीन से, कोई दुबई से, सऊदी से, कोई आदमी करोड़ रुपए के नीचे बात नहीं करता भाई। अच्छा, एक फैमिली है खाली, अभी सुबह मेरे को उन्होंने कॉल किया व्हाट्सएप पे, 5,64,00,000 रुपया एक ही फैमिली। इन्होंने पाकिट नहीं मारी भाई, तिजोरी नहीं लूटी, घर भी नहीं लूटा, मोहल्ला भी नहीं लूटा, पूरा का पूरा मुल्क लूट लिया उन्होंने, दबा कर दिया मुसलमानों को, कहीं का नहीं छोड़ा मुसलमानों को, और मुश्किल से इनके 10 दलाल होंगे अतराफ में। अच्छा, इनके 10 दलाल होंगे जिनको ये पैसा दे रही हैं, और जो लोग मतलब इन्वेस्टर को बेकार के रक्षे में, उनको सच तक पहुंचने नहीं देते। अच्छा अच्छा, इसका क्या होगा चाचा, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा आपके नजरिए से? भाई मैं हार गया भाई, मैं हार गया। अच्छा, मैं अपने अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ, मैं थक गया, मैं हार गया, मैं बहुत दौड़ा इसके पीछे, इस औरत के पीछे बहुत दौड़ा कि नहीं ये शादी है या अमीन है। मैंने गवाही दिया लोगों को कि ये पैसा दे देगी, एक सिम्टम्स मुझे नजर नहीं आया भाई। कभी इस औरत ने मुझसे इन्वेस्टरों का हाल नहीं पूछा, मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम खाता हूँ। अच्छा, कभी एक इन्वेस्टर को इन्होंने 10,000 की मदद नहीं की। अच्छा कि भाई ये, अच्छा भाई तुम किसको पैसा दे रहे हो? हमेशा तुम लोग एक बोलते हो कि एक को देंगे तो सबको देना पड़ेगा, भाई सबका लेके बैठे हो तो दे रहे हो ना। तुम किसी दरगाह पे थोड़ी हो कि 50 फकीर आ गए। अरे ये फकीर नहीं है भाई, ये इन्वेस्टर है तुम्हारे। बराबर है, इन्होंने पैसा दिया आपको करीम। बराबर है, और ये सबर कर रहे हैं। लेकिन चाचा कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अकाउंट डिफ्रीज होगा तो पैसा मिलेगा। अकाउंट में क्या है करीम? 18 करोड़ रुपया क्या है? मेरी जानकारी है। हाँ, यही उनका वकील भी बताता है। 18 करोड़ में बॉम्बे थाने में शायद 25 करोड़ रुपया था। विनीत डांडा ने 6 करोड़ रुपए का लिए सैंक्शन किया था, तो 6 करोड़ रुपए लीगल फीस के लिए चाहिए, तो उसके बाद में जो बचा 18 करोड़ या 17 करोड़ जो भी होंगे। मुझे तो 16 बताया जा रहा है। अच्छा, अच्छा। आप 18 बोले तो मैंने भी उसको एडमिट कर लिया। चलो भाई, 18 अच्छा, तो 2 करोड़ कहीं से आ गया होगा। क्योंकि वो वन वे है जो डिफ्रीज हुआ है ना। बराबर, उसमें इनकमिंग के लिए डिफ्रीज नहीं हुआ। बाहर से आप कितना भी पैसा अकाउंट में डाल सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते, वन वे डिफ्रीज है। समझ गया। आने का आ सकता है, खाली निकालने के टाइम पे आने का। अगर इनका कारोबार चालू है, जैसे आप बोलती हैं कि भाई मेरा धंधा चालू है, मेरे प्रॉफिट आ रहे हैं, तो वो प्रॉफिट कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं बताइए मेरे को। मैंने इनको औरंगा रेड्डी कोर्ट में आप सबके सामने कहा कि आप वकील करती हैं तो ऐसा वकील क्यों नहीं मिलती जो आपको बाहर निकाले और लोगों को राहत मिले? क्योंकि लोग जैसे रमजान का इंतजार कर रहे हैं, आपका भी इंतजार करते हैं कि आप छूटेंगी तो कुछ मदद मिलेगी। बराबर है, मेरे सामने बात भाई उन्होंने बोला कि मतलब निकलना होगा तो कोई भी लॉयर से निकल जाऊंगी, ऐसा कुछ टॉप के लॉयर की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ। तो फिर ये जब जमीन का आपका मसला था तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये भी मेरे अल्लाह की मर्जी है, डूब गई तो डूब गई, जाने दो। जहाँ इन्वेस्टर की नफे की बात आती है तो बात अल्लाह पे, जब आपका नुकसान होने लगता है तो वहां पे आप एक्शन लेती हैं। बट चाचा इतने स्ट्रांग थे आप
अभी अचानक से आपको अचानक से थोड़ा भरोसा उठ गया जैसा लग रहा है मुझे। वो एक्चुअली क्या हुआ भाई, देखो भरोसा खत्म इसलिए हुआ कि मैंने सिर्फ तीन वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके